प्यारे बच्चों, मैं आनंद कुमार सर एसएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल शमसपुरा पहली से कक्षा 8 के छात्रों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम लोग पाठ 8 चरित्र और संयम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं महात्मा गांधी। इस पाठ को आप लोग अच्छी तरह समझो क्योंकि यह बहुत ही उपयोगी है। इस पाठ में जितने भी कठिन शब्द हैं उसका शब्दार्थ मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आप लोग उसे याद कर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस विषय में दो मत नहीं हो सकते कि धन संपत्ति के बल पर नहीं बल्कि मस्तिष्क के शक्ति के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार यह भी स्वीकार करेंगे कि मस्तिष्क नहीं बल्कि अंततः मनुष्य का हृदय ही उसे आगे ले जा सकता है। कठिन अवसरों पर बुद्धि नहीं चरित्र ही सहायक होता है। चरित्र का निर्माण दूसरों के हाथों द्वारा नहीं अपने ही हाथों द्वारा होता है। यानी अपना चरित्र आप बनाओगे तो स्वयं बनाओगे, कोई दूसरा आपके चरित्र को बना नहीं सकता। हमें बाहर की अपेक्षा भीतरी सुधार की अधिक आवश्यकता है। भीतर अगर धूल लगा हो तो उस पर बनाया हुआ बिल्कुल दोषहीन राजभवन भी सफेद कपड़ा होगा। यानी बाहर से साफ सुथरा रहने पर भी आप इंसान नहीं बनोगे। यदि भीतर से आप साफ सुथरा हो, आपका चरित्र अच्छा है, तभी आप अच्छे इंसान बनोगे। इसलिए हमें आत्मशुद्ध की क्रिया पूरी पूरी करनी होगी, आत्मत्याग की भावना बढ़ानी होगी। जैसे किसी भव्य प्रासाद के रहने वाले जब उसे त्याग कर चले जाते हैं तब वह खंडहर सा प्रतीत होने लगता है, उसी तरह बिना चरित्र वाला व्यक्ति होता है। चरित्रवान व्यक्ति को कोई भी पद दिया जाए वह उसके योग्य सिद्ध होगा। अगर आप अपने चरित्र को बलवान नहीं बना पाते तो आपका तमाम पठन पाठन और अभ्यास भी रखता ही रहेगा। यदि लोक सेवा में अपनी विद्या का अपने ज्ञान का उपयोग करना है तो नम्रता का होना आवश्यक है। बिना चरित्र के सारा ज्ञान केवल बुराइयों की जड़ है। मेरे लिए तो नीति सदाचार और धर्म एक ही बात है। अगर आदमी पूरी तरह सदाचारी हो पर धार्मिक ना हो तो उसका जीवन बालू पर खड़े किए गए मकान की तरह समझिए। इसी तरह भ्रष्ट चरित्र धर्माचरण भी दूसरों को दिखाने भर के लिए और उपद्रवों के कारण होता है। नीति में सत्य अहिंसा और ब्रह्मचर्य भी आता है। मनुष्य जाति ने आज तक सदाचार के जितने नियमों का पालन किया है वे सब इन तीन सर्व प्रधान गुणों से संबंधित है या प्राप्त हो सकती है। संयम ही स्त्री पुरुष तो गया पिता समझिए। इंद्रियों को निरंकुश छोड़ देने वाले का जीवन कर्मधारहीन नाव के समान होता है जो निश्चय ही पाली चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाएगी। स्वास्थ्य और शौच के नियमों की अपेक्षा उपेक्षा ने हमारे शरीर को भूल लगा दिया है। हमारी गलत पोषक तत्वों से रहित और उत्तेजक मसालों से भरी खुराक ने हमारी पाचन शक्ति का दिवाला निकाल दिया। यह बात उतार उतार कर हमारे कानों में चली जानी चाहिए कि अगर हमें बौनों की जाति का नहीं बनना है तो जो प्राण शक्ति हमारे आसपास रही हो जिसका हम नित्य विनाश कर रहे हैं उसका संचय करना और उसे बढ़ाने का यत्न करना होगा। हम केवल शरीर के पोषण के लिए खाते, स्वाद के लिए कभी नहीं खाते। हम हवा स्वाद के लिए नहीं पीते बल्कि सांस लेने के लिए पीते हैं। जिसने जीव को नहीं जीता वह विषय वासना को नहीं जीत सकता। जीव को जीतना बहुत कठिन है पर इस विजय के साथ दूसरी विजय मिलती है। जिनके विचार इधर उधर भटकते नहीं रहते, जिनका मन बुरी बातों को नहीं सोचता, जिनकी नींद स्वप्नों से रही होती है और जो सोते समय भी पूरी तरह जागृत रहता है।
दूसरे से उसे कैसा होना चाहिए इसकी कल्पना कर सकता है। देह दिमाग और मन तीनों को अलग अलग देखना समझना हमारा काम है, पर इतना करके रुक जाए तो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी हम उसका कोई लाभ नहीं उठा सकते। अन्याय दुष्टता अभिमान आदि का त्यागन होता है, यह जान लेना भी जरूरी है, और जान लेना ही काफी नहीं बल्कि जान का आचरण करना भी आवश्यक है। हम कोई भला काम करें तो उस पर हमें गर्व से भूल नहीं जाना चाहिए, हमें उसका मूल्य नहीं आना चाहिए, अपनी सदा अधिक भला होने और अधिक भलाई करने की इच्छा करते रहना चाहिए। नम्रता व्यक्ति के चरित्र का एक विशेष गुण है, या अभ्यास से प्राप्त नहीं होती, इसे स्वभाव में समाहित होना चाहिए। सत्य का अभ्यास किया जाता है, या नम्रता का तात्पर्य उससे नहीं जो बड़े आदमियों में से एक दूसरे के सम्मानार्थ सिखाया पढ़ाया जाता है। कोई बाहर से दूसरे को साष्टांग प्रणाम करता हो पर मन में उसके प्रति तिरस्कार भरा हो तो वह नम्रता नहीं लुच्चई है। नम्र मन से खुद नहीं जानता कि वह कब नम्र होता है। संयमी स्त्री पुरुषों की स्वच्छता अंतर की पवित्रता का लक्षण बुद्धि को काम की वस्तु है। हमारा शरीर महामंदिर है, हम उसमें बाहर से कोई मैल न भरे, अंदर मन के विचारों से मलिन न करे, इस सोच को उतारने वाला अपने हर काम में स्वच्छता प्रकट करेगा या उसके लिए स्वाभाविक कार्य हो जाना चाहिए। मेरी दृष्टि से विचार करने की कला ही सच्ची शिक्षा है, यह कला हाथ आ जाए तो दूसरी कलाएं उसके पीछे सुंदर रीति से सज जाती है। विचार समाज पोषक होता है और समाज विध्वंसक भी होता है, वह दैवी भी होता है और आत्मिक भी। इसलिए हर कार्य करते हुए हम विचार करें इतना ही काफी नहीं है, या विचार सबके हित का भी होना चाहिए, केवल अपने स्वार्थ का नहीं। सच पूछिए तो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए विचार करता है वह दूसरों की हानि तो करता ही है, अपने स्वार्थ को भी अंत में नहीं साध सकता। प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्ञानवर्धक पाठ है, आप लोग दो तीन बार इसे अच्छी तरह पढ़ोगे और इसमें महात्मा गांधी ने जितना जितने जीवनोपयोगी की बातें कही है उसे अपनाना है। इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नोत्तरों को मैंने तैयार कर दिया है और ऑनलाइन